नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑफ क्लासेस पर। और समय हो रहा है जो ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन हैं जो कि वीडियो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन पर बात करने का। तो आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाएँ जिससे कि नई नई वीडियोज़ की जानकारी आप तक समय से पहुँचती रहें। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे जो वीडियोस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और ये क्वेश्चन मानसून का बिहार पर दिया हुआ है। लिखा हुआ है दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में मुख्य रूप से उत्पन्न होता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में मुख्य रूप से कहाँ पर उत्पन्न होता है? पंजाब के मैदान में कम दबाव के कारण, और 8 डिग्री N यानी नॉर्थ अक्षांश के दक्षिण में उच्च दाब के कारण, विषुवतीय निम्न धाराएं अवरोही धाराओं द्वारा भरी जा रही हैं, और तिब्बत के पठार के द्वारा। दक्षिण पश्चिम मानसून का क्वेश्चन है ये कि दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ से उत्पन्न होता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की यदि हम बात करते हैं तो ये मुख्यतः पंजाब के मैदान में कम दबाव और तिब्बत के पठार, यानी कि पहला वाला और चौथे वाले के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शंस के लिए हम बात करते हैं तो ये चार ऑप्शंस हैं। पहला है फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड, सी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और डी है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो यदि हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ये पहले पंजाब के मैदान में कम दबाव और तिब्बत के पठार के कारण उत्पन्न होता है, यानी कि सही आंसर यहाँ पर जाएगा ए। ठीक है, तो चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। लिखा हुआ है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पंजाब में है। मानसून की अवधि जून से सितंबर तक होती है। यदि आप मानसून की एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि सबसे पहले मानसून कहाँ पर आता है, तो मानसून की यदि आप बात करते हैं तो मानसून सबसे पहले केरल में आता है। वर्तमान में कहा जाता है, कहा जा रहा है कि ये केरल में आ चुका है और 20 से 22 दिनों में उत्तर भारत में पहुंच जाएगा। तो ये क्वेश्चन की जून से सितंबर तक की जो अवधि है वो मानसून की अवधि है। इस अवधि को भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रमुख वर्षा ऋतु के रूप में मान्यता प्राप्त है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में मुख्य रूप से पंजाब के मैदान और तिब्बत के पठार में कम दबाव के कारण उत्पन्न होता है। ये हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में विकसित होती हैं, यानी कि भूमध्य रेखा को पार करती हुई उत्तरी गोलार्ध में कोरिओलिस बल के द्वारा दाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। गर्मियों के दौरान तिब्बत का पठार अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र से लगभग 9 किलोमीटर ऊपर पठार पर मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं और कम दबाव होता है, इसलिए सही उत्तर पहला और चौथा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा हुआ है किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है? किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा जो है वो 50 सेंटीमीटर से कम होती है, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो यदि हम इसके आंसर को देखें, किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है? मेघालय में तो सबसे ज्यादा होती है, वहां तो औसतन वर्षा 200 सेंटीमीटर से प्लस चली जाती है। कश्मीर के लेह में बरसात नहीं होती, होती भी है तो बहुत कम होती है। कारण क्या है, क्योंकि वहां का जो वायुमंडल है वहां तक बादल पहुंच ही नहीं पाते और वर्षा के बादल पहले ही बरस जाते हैं। कोरोमंडल तट पर और कोंकण तट पर बरसात ज्यादा होती है क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी ढाल है। तो यानी कि कश्मीर के लेह में वर्षा कम होती है। ठीक है, सही आंसर क्या है, सेकंड का बी। देखिए, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी कश्मीर, दक्कन पठार और पंजाब के क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का उपयोग करने वाले क्षेत्र में किसी भी भौगोलिक बाधाओं की कमी जैसे विभिन्न कारकों के कारण राजस्थान क्षेत्र में वर्षा पर्याप्त नहीं है। वर्षा की कमी के अन्य कारणों में मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा शामिल है, क्योंकि यह शुष्क हो जाती है और उत्तरी मैदानों को पार करने के बाद राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में अपना रास्ता बनाती है। इसकी भौगोलिक स्थिति इन राज्यों से बहुत दूर होने के कारण आंध्र, तमिलनाडु आदि राज्यों में चक्रवाती तूफानों से बारिश नहीं होती। इसके अलावा इन राज्यों की जलवायु शुष्क है, जिससे वर्षा करने वाली हवाओं की नमी धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार वर्षा नहीं होती। राजस्थान और गुजरात के पश्चिमी भाग में अपर्याप्त वर्षा 7 सेंटीमीटर से कम होती है। लद्दाख और दक्षिण मध्य भाग में 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है।
मेन बात यह है, लद्दाख और दक्षिण मध्य भाग में कितनी वर्षा होती है, 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन क्या कहता है देखिएगा, लिखा हुआ है उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है। उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु और कश्मीर। यदि हम उत्तर पूर्वी बात करते हैं, ठीक है, अगर आप ये देखें उत्तर पूर्वी जो मानसून है उसकी बात हो रही है, तो यदि यहाँ पर आप देखेंगे तो सही आंसर जाएगा सी, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है, तमिलनाडु में, क्योंकि यहां से ये उठता है, ये बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है, यहां से उठेगा और यहाँ पर सबसे पहले ये जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, घनघोर वर्षा करेगा, ठीक है। अभी थोड़े पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा हुआ वहां पर पढ़ा था कि यहाँ पर चक्रवाती वर्षाएं नहीं होती, कारण क्यों, क्योंकि यहाँ से हवाएं उठती हैं और सीधे टकरा जाती हैं और यहाँ पर क्या है, अत्यधिक वर्षा होती है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है, आपका तमिलनाडु है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा डिस्क्रिप्शन को देख लीजिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन क्या कहता है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य तमिलनाडु है। उत्तर पूर्वी मानसून शीत ऋतु का मानसून है जो स्थल से समुद्र की ओर चलता है, यह अक्टूबर से मार्च तक का होता है, हालांकि अवधि हर साल बदल सकती है। उत्तर पूर्वी मानसून को प्रत्यागामी मानसून भी कहता है। तमिलनाडु में 100 से 200 सेंटीमीटर की भी वर्षा होती है। तमिलनाडु के अलावा बिहार में मध्य घाटी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पश्चिमी घाट का हिस्सा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग में समान मात्रा में वर्षा होती है। किसके कारण, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, जम्मू और कश्मीर में वन क्षेत्र के खराब कवरेज के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कारक नहीं है, ठीक है, कौन सा कारक नहीं है पूछा जा रहा है। वर्षा की कम मात्रा, ये खराब कारक है, क्योंकि जब वर्षा नहीं होगी तो जो वनस्पतियां हैं वो उग नहीं पाएंगी और उसके कारण क्या है कि जंगलों का विकास नहीं होगा। तो पहला वाला आंसर सही है, खेती के तहत बड़ा क्षेत्र कह रहा है उनमें कौन सा कारक नहीं है, ठीक है। खड़ी बंजर ढलान, ये भी एक कारक है, क्योंकि खड़ी बंजर ढलान पे भूस्खलन ज्यादा होता है, वर्षा का पानी रुक नहीं पाता, इसीलिए यहाँ पर पेड़ पौधे विकसित नहीं हो पाते। बर्फ से ढकी चोटियां भी इसका एक रीजन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, लद्दाख में चले जाइए, ग्लेशियर में चले जाइए, लेह में चले जाइएगा, यहाँ पर क्या है, अत्यधिक ठंडा मौसम रहता है, बर्फ पड़ती है, इसके कारण भी वनस्पतियां विकसित नहीं हो पाती। तो खेती के तहत बड़ा क्षेत्र, ये वाला जो ऑप्शन दे रखा है इसमें खेती के तहत बड़ा क्षेत्र एक कारक नहीं है, ठीक है। कह रहा है खराब वन क्षेत्र के खराब कवरेज में कौन सा कारक नहीं है, खेती के तहत बड़ी भूमि का होना एक इसका एक मेन फैक्टर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन देखिएगा, डिस्क्रिप्शन क्या कहता है। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है जम्मू और कश्मीर में वन कवरेज क्षेत्र खराब है, क्योंकि उनके पास खेती के तहत एक बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में 2021 में खेती के तहत 412.56 हेक्टेयर भूमि थी, इसमें से उस वर्ष सब्जियों के उत्पादन में 60,000 हेक्टेयर फसली भूमि थी और 343.42 हजार हेक्टेयर का उपयोग फलों के उत्पादन के लिए किया गया था। अधिकतम वन आवरण वाले शीर्ष 5 राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड ने, इसीलिए सही उत्तर खेती के तहत बड़ा क्षेत्र यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा था, जो था पहले वाले में बी था। क्वेश्चन नंबर पांच क्या कहता है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पांच कहता है कि किसी स्थान की जलवायु निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है, ठीक है, अक्षांश पर निर्भर करती है, पृथ्वी के झुकाव के अक्ष पर निर्भर करती है, क्रांति पर निर्भर करती है और घूमने की रफ्तार पर निर्भर करती है, ठीक है। तो किसी स्थान की जलवायु के लिए अक्षांशीय स्थिति का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है, कितने अक्षांश पर आप निवास करते हैं, क्या आपकी स्थिति है, ये जो है आपके वर्षा की जो ऋतु है, जो जलवायु है उसको प्रभावित करेगी। आप गर्म प्रदेश में हैं तो भूमध्य रेखा के निकट होंगे, यदि आप वर्षा वाले क्षेत्रों में हैं तो भूमध्य रेखा से आप दूर होंगे। यदि आप पृथ्वी के झुकाव की बात करते हैं, पृथ्वी का झुकाव सूर्य की किरणों को प्रभावित करता है, क्योंकि
अगर कहते हैं हम ध्रुवों की यदि बात करते हैं, ध्रुवों पर शीत ऋतु रहती है। कारण क्या है, क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती, सूर्य का ताप उसे नहीं मिल पाता, और इसीलिए वहां की जलवायु में अंतर, यानी कि पृथ्वी के झुकाव का अक्ष जलवायु को प्रभावित करता है। और तीसरा ऑप्शन है क्रांति। यदि आपने पढ़ा होगा अपसौर है या उपसौर है, ठीक है, ये जो स्थितियां होती हैं सूर्य की, ये जलवायु को प्रभावित करती हैं। सूर्य जितना जितना धरती के निकट होगा उतनी गर्मी ज्यादा बढ़ेगी, जितना दूर होता जाएगा उतनी गर्मी में कमी आती जाएगी। तो यानी कि क्रांति भी क्या है, प्रभावित करती है। घूमने की रफ्तार का जलवायु पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि पृथ्वी एक समान गति से जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, ठीक है, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, और ये मिलते हैं बी ऑप्शन में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब डिस्क्रिप्शन देखिएगा, डिस्क्रिप्शन क्या कहता है, किसी स्थान की जलवायु अक्षांश, पृथ्वी के झुकाव की दूरी और परिक्रमा पर निर्भर करती है। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर अधिक निर्देशित होती हैं, भूमध्य रेखा से दूर जाने पर तापमान गिरता है, तो अक्षांश से जलवायु प्रभावित होती है। ऋतुएं पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण होती हैं। कुछ क्षेत्रों में वर्ष के विभिन्न समय में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों की शुरुआत उत्तरी ध्रुव से होती है, जबकि सर्दियों की शुरुआत दक्षिण ध्रुव से होती है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुकता है और दक्षिण ध्रुव सूर्य के विरुद्ध झुकता है। पृथ्वी की क्रांति के कारण दिन रात में और गर्मी सर्दी में बदल जाती है। पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण समुद्र की लहरों, तापमान, जलवायु आदि को प्रभावित करता है, इसीलिए सही उत्तर है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिएगा, शीतकाल में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा का कारण बनता है। शीतकाल की बात हो रही है, शीतकाल में भारत के उत्तर और पश्चिमी भागों में वर्षा होती है, इस वर्षा का कारण क्या है, ठीक है, चक्रवाती अवसाद, लौटता हुआ मानसून, पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिण पश्चिम मानसून। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। यदि आप शीतकाल में, यानी कि जब आप दिसंबर जनवरी की बरसात को देखते हैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, या आप उत्तर पश्चिम के जो भाग हैं, यदि आप उत्तर पश्चिम की बात करते हैं ये, तो अगर भारत के नक्शे की आप बात करेंगे तो ये जो भाग है ऊपर वाला, ठीक है, तो ये भाग और ये वाला भाग, ठीक है, यहां पर बरसात कैसे होती है, कारण क्या है, यहां पर बरसात पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ठीक है, किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ से यहाँ पर बरसात होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, इसके कारण बरसात होती है पश्चिमी विक्षोभ। लिखा हुआ है, पश्चिमी विक्षोभ उन कारणों में से एक है जो सर्दियों के मौसम में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा का कारण बनता है। ये गड़बड़ी उत्तरी महाद्वीप में रबी की फसल को विकसित करने के लिए आवश्यक है, जिसमें स्थानीय रूप से महत्वपूर्ण प्रधान गेहूं शामिल है। पश्चिमी विक्षोभ को भूमध्य सागर क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले अंतरिक्ष उष्ण कटिबंधीय तूफानों के रूप में पहचाना जाता है, और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में अचानक सर्दियों की बारिश को लाता है। अतः सही उत्तर कौन सा है, इसका पा जो है पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि सी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, मेघ से वर्षा कराने की तकनीक क्या कहलाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है, क्लाउड कंट्रोल यानी कि बादल नियंत्रण कहलाती है, क्लाउड इंजीनियरिंग कहलाती है, या क्लाउड सीडिंग कहलाती है, ठीक है। तो मेघ से वर्षा कराने की जो कृत्रिम तकनीक है ये क्लाउड सीडिंग कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है, क्लाउड सीडिंग कहलाती है, ठीक है। इसमें क्या है कि बादलों में एक अनियंत्रित गर्मी को उत्पन्न कर दिया जाता है और इससे जो वर्षा का जल है वो बरस जाता है, ठीक है, और ऐसी वर्षा उन क्षेत्रों में कराई जाती है जहां पर वर्षा नहीं होती या जहां पर जो है सूखा पड़ने की संभावनाएं होती हैं, तब ऐसे क्षेत्रों में इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। कभी कभार कुछ महत्वपूर्ण आयोजनों को देखते हुए भी इस तकनीक का सहारा लिया जाता है, जैसे कि आने वाली तिथि में वहां पर बरसात ना हो। बादलों से वर्षा कराने की तकनीक को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। क्लाउड सीडिंग के लिए उपयोग किया जाने वाले सबसे आम रसायन सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस है। यह आइस न्यूक्लेटर्स के कारण भी होता है। क्लाउड सीडिंग की शुरुआत 1946 में
डॉक्टर विसेंट जे सेफर ने की थी जब वे न्यूयॉर्क में जनरल इलेक्ट्रिक लेबोरेटरी में काम कर रहे थे। वह कृत्रिम बादल बनाने के शोध से जुड़े हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखते हैं। लिखा हुआ है चक्रवात भारत की देर से गर्मियों में लगातार घटना। ठीक है, ये एक है कम दबाव प्रणाली, उच्च दबाव प्रणाली, शांत मौसम, हिंसक मौसम। चक्रवात भारत की देर से गर्मियों में लगातार, थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ इसमें मिस्टेक है, अभी हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या कहता है ये। चक्रवात के बारे में यदि हम बात करते हैं, चक्रवात क्या है? देखिए चक्रवात एक कम दबाव की प्रणाली है। ठीक है, एक कम दबाव की प्रणाली है और चक्रवात में क्या होता है कि जो समुद्री हवाएं हैं या जो सामान्य तौर पर चलने वाली हवाएं हैं उनकी गति तेज हो जाती है। चक्रवात अपने साथ तेज तूफानों को लेकर आएंगे, इसके साथ साथ ये तटवर्ती क्षेत्रों में भारी वर्षा कराते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि वहां पर अत्यधिक जान माल की हानि हो सकती है। तो यानी कि हिंसक मौसम भी इसका एक कारण है। यानी चक्रवात भारत के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो कम दबाव प्रणाली और हिंसक मौसम को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि पहला एंड चौथा ऑप्शन, और ये जाएंगे आपके ए वाले विकल्प में। देखिएगा लिखा हुआ है एक चक्रवात को वातावरण की एक कम दबाव प्रणाली के रूप में पहचाना जाता है, जिसमें हवा का दबाव मानक यानी कि सामान्य वायुमंडलीय दबाव 1013.2 मिलीबार या हेक्टोपास्कल एमबीए या एचपीए के रूप में छोटा होता है से नीचे चला जाता है और हवा अंदर की ओर घूमती है और उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में चलती है। चक्रवात को हिंसक मौसम के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह तेज हवाओं और भारी बारिश के साथ एक तीव्र सर्पिल है। चक्रवात मध्य क्षेत्र के चारों ओर कम वायुमंडलीय दबाव वाले तेज हवाओं के कारण बनते हैं। अतः सही उत्तर कौन सा है आपका? ए वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है जेट धाराएं समशीतोष्ण क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती हैं। ठीक है, यह एक है, ये किस प्रकार की, यानी जेट धाराओं के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि जेट धाराएं क्या होती हैं। सतही हवा है, जेट धाराएं क्या है? सतही हवा है। नंबर दो ऊपरी वायुमंडल पवन है। नंबर तीन ऊपरी पश्चिमी हवाओं में सन्निहित है या वर्षा धारण करने वाली पवने हैं। तो जेट धाराओं के बारे में कहता है कि समशीतोष्ण क्षेत्र की जलवायु है और वहां पर ये सीधे प्रभावित करती हैं, तो क्योंकि ये ऊपरी वायुमंडल पवन और ऊपरी पश्चिमी हवाओं में सन्निहित होती हैं, इन दो में क्या है ये कन्वर्ट रहती, मर्ज रहती हैं, और इसीलिए यहाँ पर सही आंसर जाएगा आपका सेकेंड एंड थर्ड बी वाला। डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या कहता है। जेट धाराओं को पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों के वायुमंडल में तेजी से बहने वाली संकीर्ण घुमावदार वायु धाराओं के रूप में पहचाना जाता है। यह एक ऊपरी वायुमंडल की हवा है जो ऊपरी पछुआ हवाओं से सन्निहित है। ये चोप सीमा की ऊंचाई के पास स्थित है और पश्चिमी हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली हवाएं हैं। जेट धाराएं शुरू हो सकती हैं, रुक सकती हैं या दो से अधिक भागों में विभाजित हो सकती हैं, एक धारा में संयोजित हो सकती हैं या जेट के शेष भाग सहित विभिन्न दिशाओं में सोख सकती हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी गति क्या है, जेट के समान तीव्र होती है, इसीलिए इन्हें जेट धाराएं भी कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अलनीनो क्या है? अलनीनो के बारे में दे रखा है। अलनीनो नामक एक जलवायु संबंधी घटना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अलनीनो आपकी वर्षा के प्रभावित को, वर्षा की जो मात्रा है उसको प्रभावित करता है। तो अलनीनो के बारे में दे रखा है, यह भारत में खराब वर्षा का एक कारण है, चिली में भारी वर्षा का एक कारण है, समुद्री जीवन पर विनाशकारी प्रभाव है और यह एक आवधिक घटना है। तो अलनीनो क्या है? अलनीनो ये चारों चीजें है। जब भी अलनीनो बनता है, अलनीनो की यदि बात करते हैं तो भूमध्य सागर की बात होती है, वहां पर एक दबाव वाला क्षेत्र बनता है, उसके कारण क्या है कि जो समुद्री स्तर है वहां पर मानसून बनता है लेकिन उसकी बरसात नहीं हो पाती। ये चिली में भारी बारिश को करती है, ये भी ठीक है। समुद्री जीवन पर विनाशकारी प्रभाव होता है,
क्योंकि इससे समुद्रों में जो है उच्च दाब की स्थिति बन जाती है, तो जलीय जीव जंतुओं पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ जो समुद्रों में खराब मौसम भी इसके कारण घटित होता है, और ये एक आवधिक घटना है, एक कुछ समय के पश्चात क्या ही अपने आप को रिपीट करती है। यानी कि सारे ऑप्शन इसमें सही है, यानी कि ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन यहाँ पर सही जाता है। अलनीनो को अलनीनो दक्षिणी ध्रुव के गर्म चरण के रूप में पहचाना जाता है, जो गर्म समुद्र के पानी के एक बैंड से जुड़ा होता है, जो मध्य और पूर्व मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में विकसित होता है। क्योंकि प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी ज्यादा है, तो वहां पर क्या है, वहां की जलवायु वो भी गर्म होती है, जिसमें प्रशांत से दूर का क्षेत्र भी शामिल है, दक्षिण अमेरिका। अलिनो एक जलवायु संबंधी घटना है जो समय समय पर होती है। एक जलवायु पैटर्न जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। यह समुद्र के तापमान, समुद्री धाराओं की गति और शक्ति, तटीय मत्स्य पालन के स्वास्थ्य आदि को प्रभावित करता है। इस प्रकार अलिनो भारत में कम वर्षा, चिली में भारी वर्षा, समुद्री जीवन पर विनाशकारी प्रभाव और आपदी घटना से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। एक मैप दे रखा है और इस मैप से संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, लिखा है नीचे दिया गया चित्र भारतीय उपमहाद्वीप और हिंद महासागर में सतह परिसंचरण को दर्शाता है। उपरोक्त स्थिति में मौसम के होने की संभावना कैसी है? सर्दी होगी, बसंत होगा, गर्मी होगी या शरद ऋतु होगी, ये पूछ रहा है। हवाओं की गति को देखिएगा आप, हाई प्रेशर जोन बना हुआ है, ये इंडियन ओशियन है, यहाँ से हवाएं चलती हैं, और ये होते हुए किधर, अरब सागर से होती हुई क्या है, भारत में प्रवेश करती हुई क्या है, ऊपर की ओर निकल जाती है। ठीक है, क्योंकि यदि आपने पढ़ा होगा पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, अगर आप देखें तो कैसी हवाएं हैं, पश्चिमी हवाएं, और इनको भारत में क्या बोला जाता है, लू बोला जाता है। पश्चिमी हवाओं को लू बोला जाता है, जब लू बोला जाएगा तो ऑप्शन कौन सा होगा, फिर जब लू किस समय चल रही होगी, गर्मी में चल रही होगी, यानी कि यह मानचित्र किसको दिखाता है, ग्रीष्म ऋतु को दिखाता है। यह पश्चिमी हवाओं को, पश्चिमी हवाएं जो गर्म रूप से चलती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम लू बोलते हैं। उपरोक्त आंकड़ा भारतीय उपमहाद्वीप और हिंद महासागर में सतह परिसंचरण को दिखाता है। सतही संचालन में गर्म ऊपरी जल को उष्ण कटिबंधीय ध्रुव की ओर ले आता है, पानी से वातावरण तक गर्मी का वितरण होता है। सर्दियों के दौरान ध्रुवों पर पानी और ठंडा हो जाता है और गहरे समुद्र में चला जाता है। यह उत्तरी अटलांटिक और अंटार्कटिका के साथ विशेष रूप से सच है। गहरे समुद्र का पानी धीरे धीरे समुद्र में लगभग हर जगह सतह पर वापस आता है। एक बार सतह पर इसे वापस उष्ण कटिबंध में ले जाता है और चक्र फिर से शुरू होता है। चक्र जितना अधिक कुशल होगा उतनी अधिक ऊष्मा स्थानांतरित होगी और जलवायु उतनी ही गर्म होगी। ऐसी में गर्मी में स्थिति होने की संभावना है, अतः सही उत्तर कौन सा है, ग्रीष्म ऋतु का है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, लिखा हुआ है उत्तर भारत के मैदानों को विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा में अनियमितता का मुख्य कारण क्या है? यानी उत्तर भारत में कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है और कहीं कहीं पर कम वर्षा होती है, इसका रीजन क्या है? भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में कम दबाव की अनियमितता और तीव्रता, कम दबाव के अक्ष के स्थान में भिन्नता, चक्रवातों की आवृत्ति में अंतर और नमी की मात्रा में भिन्नता। देखिए चक्रवातों का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि चक्रवात अधिकांशतः तटीय क्षेत्रों में आते हैं। सही है, नमी की मात्रा में भिन्नता, नमी की मात्रा से वर्षा प्रभावित होती है, लेकिन नमी की मात्रा का प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ता। कम दबाव के अक्ष के साथ स्थान में भिन्नता, इसका भी प्रभाव नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा जो पड़ता है वो अनियमितता और तीव्रता। कभी कभार आपने सुना होगा कि मानसून बड़ा तेज गति से आता है और कभी कभार मानसून धीमा है, यानी कि मानसून के आने की गति ही यहाँ पर वर्षा को प्रभावित करती है। यदि मानसून तीव्र गति से आ रहा है, समय से पहुंच रहा है, तो वर्षा अच्छी होगी।
यदि ये थोड़ा लेट है, थोड़ा धीमा आ रहा है, तो वर्षा की मात्रा कम होगी। तो इसका सही आंसर क्या है? ए वाला। उत्तर भारत के मैदानों के विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा में अनियमितता मुख्य रूप से भारत के उत्तर पश्चिम भागों में कम दबाव की तीव्रता की अनियमितता के कारण है। देश के अधिकांश हिस्सों में वर्षा में कमी और हिमालय के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में बढ़ती वर्षा का कारण यह है कि मानसून के मौसम के दौरान मानसून ट्रफ हिमालय की तलहटी में चला जाता है। जुलाई और अगस्त के दौरान मानसून कमजोर हो जाता है, वर्षा में विराम होता है। इस प्रकार भारत के उत्तर पश्चिम भागों में कम दबाव की अनियमितता तीव्रता है, इसलिए सही उत्तर भारत के उत्तर पश्चिम भागों में कम दबाव की अनियमितता और तीव्रता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी एक मैप से रिलेटेड है, जरा मैप के बारे में देखिएगा। लिखा हुआ है मानचित्र में बिंदीदार रेखा क्या दिखलाती है, मानचित्र में बिंदीदार रेखा क्या दिखलाती है? औसत वार्षिक तापमान विभाजन दिखाती है, 200 से 400 की वार्षिक आइसोहेड दिखाती है, अखिल भारतीय जल विभाजन दिखाती है और 300 मीटर के कैंटेन को दिखाती है। देखिएगा ये क्या है, अगर आप देखते हैं तो यहीं पर क्या है, केरल है और ये मानसून को दिखा रही है। धीरे धीरे बढ़ता 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 हुआ ये मध्य भाग में बरसता हुआ ऊपर की ओर आएगा और गुजरात और राजस्थान को क्या है ये छोड़ देता है, और इसीलिए गुजरात, मध्य गुजरात और राजस्थान में क्या है इस मानसून के कारण बरसात कम होती है। तो यानी कि किसको दिखा रहा है, ये अखिल भारतीय जल विभाजन को दिखा रहा है। सही है, आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। मानचित्र में बिंदीदार रेखा सभी भारतीय जल विभाजन को दर्शाती है। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि जो दो जल निकासी घाटियों को अलग करता है जल विभाजक के रूप में आ जाता है। उदाहरण के लिए सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन, अंबाला इसी जल विभाजक पर स्थित है। पश्चिमी घाट प्रायद्वीप भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण करते हैं, इसलिए सही उत्तर अखिल भारतीय जल विभाजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है देखिएगा, लिखा हुआ है लॉरेंटियन प्रकार की जलवायु को सबसे अच्छे रूप में वर्णित किया जा सकता है। ठीक है, लॉरेंटियन प्रकार की जलवायु को सबसे अच्छे रूप में वर्णित किया जा सकता है। समशीतोष्ण जलवायु की तरह, दो क्षेत्रों में पाई जाने वाली जलवायु की तरह, ठंडी शुष्क सर्दियों और में और गर्म गीली गर्मियों की जलवायु के तौर पर इसको विभाजित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, डी वाला ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस, यानी इन सभी के रूप में क्या है लॉरेंटियन जलवायु को आप वर्णित कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपके सामने है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 6 से 8 महीने वर्षा ऋतु किसके भागों में रहती है, सिक्किम और कर्नाटक में, असम और केरल में, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में, 6 से 8 महीने वर्षा। देखिए यदि आप वर्षा की मात्रा को देखेंगे तो असम और केरल दो राज्य ऐसे हैं जिनके पास 6 से 8 महीने की वर्षा रहती है। कारण क्या है, क्योंकि समुद्र तटीय है। सही है, और एक जो क्षेत्र है ये जो असम है वो पहाड़ी क्षेत्र है, केरल तटीय क्षेत्रों में आता है। जलवायु जब यहाँ से असम में अगर आप देखते हैं तो जो वनों का घनत्व ज़्यादा है और वन वर्षा में सहायक होते हैं, तो वहाँ की जो वनस्पतिक विविधता है वो वर्षा को आकर्षित करती है। केरल की तटीय स्थिति वर्षा के लिए आकर्षित करती है, यहाँ पर आते और जाते दोनों मानसून से क्या है बरसातें होती हैं, इसीलिए सही आंसर है बी। देखो असम और केरल के कुछ हिस्सों में 6 से 8 महीने तक बारिश का मौसम रहता है। असम में सामान्य मानसूनी वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश जून के तीसरे सप्ताह में शुरू होती है और सितंबर के मध्य तक जारी रहती है। राज्य में औसत वर्षा
180 सेंटीमीटर है, अतः सही उत्तर क्या है आपका बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। दो कथन दे रखे हैं और सही कूट का प्रयोग करना है। लिखा हुआ पालघाट अंतराल में अंतराल के दोनों ओर के जिलों की तुलना में कम वर्षा होती है, अंतराल हवा की चढ़ाई को कम करता है। ठीक है, यदि इस आंसर को देखते हैं तो इसमें ए और आर दोनों ही कथन सही है और जो आर है वो ए की सही व्याख्या को प्रदर्शित करता है, यानी कि यहाँ पर सही आंसर है आपका ए। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। डिस्क्रिप्शन देखिएगा, पालघाट गैप जिसे पलक्कड़ गैप के रूप में भी जाना जाता है, पश्चिमी घाट में तमिलनाडु में कोयम्बटूर और केरल में पलक्कड़ के बीच कम पहाड़ी दर्रा है। अंतर की औसत ऊंचाई 140 और चौड़ाई 24 से 30 किलोमीटर है। इससे दोनों ओर के जिलों की तुलना में कम वर्षा होती है क्योंकि यह वायु के ऊपर उठने को कम करती है। दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, फिर से एक कथन और उसका एक परिणाम दिखाया गया है। अभी कथन और कारण है, आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। कथन है कि बंगाल और आसपास के बिहार उड़ीसा और असम के झंझावतों को नार्वेस्टर्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तूफान मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम से आते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। प्रैक्टिकल कभी आप देखिएगा, यदि आप तूफान की बात करते हैं तो तूफान सदैव उत्तर से या पश्चिम दिशा से आएंगे। ठीक है, पूरब से और दक्षिण से कभी भी तूफान नहीं आते। कभी आप आंधी की स्थिति को देखिएगा तो हमेशा आंधी या तो उत्तर दिशा से आएगी या किससे आएगी, पश्चिम दिशा से आएगी, पूर्व दिशा से कभी नहीं आती, न दक्षिण दिशा से आएगी। क्यों? यदि ऐसा होगा तो क्या होगा कि समुद्री जल स्तर को अपने साथ ऊपर लेके आएगी। इसके साथ साथ जो पहाड़ीय भूमि है, पहाड़ की जो भूमि है, पहाड़ की वन संपदा, उसको ये खत्म कर देगी। तो इसलिए हमेशा प्रकृति का एक कहते हैं क्रम बना हुआ है और इसमें ये कैसे है, ये तूफान हमेशा उत्तर पश्चिम से ही आते हैं। तो ए बंगाल और आसपास के नार्वेस्टर्स ये सही है, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक की सही व्याख्या है, ए ऑप्शन। आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी इन चीजों को देख सकते हैं कि आंधियां आती हैं तो किस तरफ से हवाएं किससे किस तरफ को चलती हैं, तो ये सदैव उत्तर पश्चिम से ही चलती हैं। नार्वेस्टर या काल बैसाखी बांग्लादेश और भारतीय राज्यों बिहार झारखंड उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अक्सर 100 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 62 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली स्थानीय बारिश और आंधी की घटना है। ये तूफान आमतौर पर दोपहर में और सूर्यास्त से ठीक पहले आते हैं। ठीक है, आप देखिएगा आंधी अक्सर या तो शाम से पहले आएंगी या दोपहर में आती है। ठीक है, कभी कभार हम अगर उत्तर भारत की बात करते हैं तो ये रात में भी दिखाई देती हैं, लेकिन हवा का वेग ज्यादा होता है, आंधी के रूप में उनकी गणना नहीं होती। जब आसपास पर घने काले बादल दिखाई देने लगते हैं और फिर मूसलाधार बारिश के साथ साथ आंधी गति वाली हवा लाते हैं, अक्सर ओलों के साथ, लेकिन एक छोटी अवधि के लिए काम होता है। ठीक है, इसलिए सही उत्तर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है, यहाँ पर सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन भी एक अभिकथन और एक उसका परिणाम दे रखा है, चलिए देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। लिखा हुआ विषुव के दौरान पृथ्वी पर हर जगह दिन और रात लगभग समान लंबाई के होते हैं। बिल्कुल सही बात है, विषुव के दौरान हर जगह, ठीक है, एक जगह जो है समान दिन रात होती है। विषुव के समय मध्याह्न में सूर्य भूमध्य रेखा पर ठीक सिर के सीधे ऊपर होता है। रोशनी का घेरा दोनों ध्रुवों से होकर गुजरता है और सभी अक्षांशों को दो बराबर भागों में काटता है। यह भी बात सही है, सीधे सिर के ऊपर होता है विषुव के दौरान। विषुव प्रदेशों की आप बात करते हैं, सीधे क्या है, भूमध्य रेखा पर होगा और अत्यधिक गर्मी पड़ रही होगी। इस समय स्थिति कैसी है, ऐसी है, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन को आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि कोई आपका प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है, झारखंड में वर्षा के लिए कौन सा मानसून उत्तरदायी है? झारखंड में वर्षा के लिए उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पश्चिमी मानसून या इनमें से कोई नहीं। यदि हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में वर्षा के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून जिम्मेदार है। ठीक है, झारखंड में वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में हम पहले ही बात कर चुके थे कि ये पंजाब के समतल मैदानों और तिब्बत के पठार से ऊपर उठता है। देखिएगा, शुरुआत में मैंने इसकी बात की थी, ये कहां से उठता है? तो ये पंजाब के मैदान और तिब्बत के पठार से उठता है, इसलिए सही उत्तर कौन सा है? दक्षिण पश्चिम का मानसून है। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। लिखा हुआ है, अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर हैं, लेकिन उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? ठीक है, अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है लेकिन उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में अंतर, समुद्र से उनकी दूरी, शिमला में हिमपात और अमृतसर में प्रदूषण। इसका उत्तर यदि आप कमेंट बॉक्स में देंगे तो अच्छा लगेगा। देखिएगा, एक ही अक्षांश पर स्थित जरूर है लेकिन दोनों की ऊंचाइयों में अंतर है, दोनों की ऊंचाइयों में अंतर है। शिमला एक हिल एरिया है जबकि यदि आप अमृतसर की बात करते हैं तो ये पंजाब के मैदानी भागों में स्थित है। डिस्क्रिप्शन देखिएगा, अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है लेकिन उनकी जलवायु में अंतर उनकी ऊंचाई के कारण है। किसी क्षेत्र की जलवायु ऊंचाई, अक्षांश, भूमि के आकार और महासागरों से निकटता जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है। अमृतसर और शिमला की भी जलवायु अंतर उनकी ऊंचाई के कारण है। अमृतसर की ऊंचाई 234 मीटर है जबकि शिमला की ऊंचाई 2276 मीटर है। अमृतसर की तुलना में शिमला की जलवायु ठंडी है, अतः सही उत्तर यहाँ पर कौन सा था? आपका ए था। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी से संबंधित। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि नई नई वीडियो की जो जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जाने से पहले यदि आपका कुछ सुझाव है, आपकी कोई शिकायत है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। आपकी जो कमेंट बॉक्स से की जो प्रतिक्रिया है उस पर निश्चित रूप से यहाँ से कोई ना कोई उत्तर दिया जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।